बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 दिसंबर 2020 को मैं FTC फ्लाईओवर एग्ज़िट शार फैसल पे ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप ये देखें हैरान होंगे कि ये इतना अहम रोड और उसकी हालत क्या है। रोड टूट फूट का शिकार, सेवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, गारबेज डंप किए हुए हैं साइड पर, कितना गंदा व्यू नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से जो लोग पास हो रहे हैं वो उसको वो क्या फील कर रहे होंगे कि इतने गंदे लोग हैं सिंध गवर्नमेंट के। कोई शेम है, शर्म है, या शर्म है ही नहीं। हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स यहाँ से पास हो रहे हैं जब मैं ये प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे लगता था कि लग रहा है कि ये बेचारे ड्राइविंग करते हुए जो खड़े हैं उससे बचाकर अपनी गाड़ी निकालने में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और ताकि उनकी गाड़ी डैमेज ना हो। कराची लावारिस है, हु केयर्स फॉर कराची। कराची के लिए किसी को परवाह नहीं लग रही। सिंध गवर्नमेंट सिर्फ इंटरेस्टेड है कि टैक्स कलेक्शंस किस तरह से ज़्यादा कराची से लिया जाए, लेकिन कोई फैसिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ इवन रोड की हालत भी आप देखें, बहुत ही ख़राब कंडीशन है। मैं सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि कराची को लावारिस न छोड़ें। शुक्रिया।